आपके ऊपर लगा था, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी पूरे कंट्री में अखबारों में सब जगह हुई थी, ये कस्टम अथॉरिटीज के साथ जो आपके डिफरेंसेस थे, और जब आप लंदन ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से आए दिल्ली, तो आपका कस्टम का सामान पकड़ा गया एयरपोर्ट पे, और उसकी ड्यूटी को लेके काफ़ी डिफरेंसेज हुए, और वहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर थी उसका ट्रांसफ़र हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है, डिक्लेयर मैंने किया था, और उसके बाद इसका जजमेंट भी आ गया है, वो कॉपी मैं आपको दे दूंगा, जहाँ उन्होंने साफ ये किया है, कहा है कि कमलनाथ ने खुद ही डिक्लेयर किया। नहीं, जो एलिगेशन लगा था ये था कि आपने जो डिक्लेयर किया उससे ज्यादा सामान आपके पास था, जो आपने डिक्लेयर किया वो तो सामने ही था, और इसीलिए चूंकि शकुंतला ने आपके सब सूटकेसेस खुलवा दिए जो डिप्टी कलेक्टर थी, तो आपने उसका ट्रांसफर करा दिया। वही बात मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, पर आप जरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। डिक्लेयर तो तभी करते हैं जब चीज सामने होती है, कोई हवा में तो कोई डिक्लेरेशन होता नहीं। व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दीजिए कि उसमें क्या क्या सामान था, क्योंकि तमाम अखबारों ने छापा कि उसमें सेक्स डॉल थी, ये था वो था, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहा। ये जो था वो रिकॉर्ड में है, और अगर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी होती तो मैं सोचता हूँ कि ये लिस्ट पेपर में छप जाती, ये तो कोई छिपी हुई बात है नहीं। अच्छा, एक एलिगेशन आपके ऊपर और लगा था कि आपका हिमाचल प्रदेश में एक होटल है और वो आधा बह गया था नदी की बाढ़ में, तो आपने नदी की धारा मुड़वाने के लिए सारी गवर्नमेंट मशीनरी को लगवा दी कि नदी का रुख मोड़ दिया जाए ताकि होटल बरकरार रहे आगे। ऐसा कोई आरोप नहीं था कि गवर्नमेंट मशीनरी लगा दी, ये तो आरोप ही नहीं था। आरोप ये था कि नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है। ब्यास नदी को मैं सोचता हूँ कोई डाइवर्ट कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं नदी को डाइवर्ट करने की शक्ति रखता हूँ तो ये तो अजीब बात है। नदी बह रही है, सालों से बह रही है, हाँ, इसकी 100 साल का नक्शा है, रिकॉर्डेड बात है, तो ये सब गलत है। तो ये थी पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के बारे में कुछ जानी अनजानी बातें। एट को रूबरू के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता हूँ।